हेलो एवरीवन, आज है डे 6, मतलब आज हमारी जीरो टू हीरो सीरीज का डे 6 है। और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को हैसिव के कुछ इतने इंपॉर्टेंट यूजेस बताऊंगी जिनके बिना आप बेसिक सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। गाइस, आई नो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्योंकि मेरे इस पर काफ़ी सारा वीडियोज अपलोड है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हम एक सीरीज को चला रहे हैं तो दोबारा से इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस क्लास के माध्यम से मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि काफी कुछ हम इस क्लास में आज सीखने वाले हैं। हम हैसिव की यूज देखेंगे, हैड के यूज देखेंगे, विल हैव के देखेंगे, मे हैव, शुड हैव, शुड हैव हैड, ये सब कैसे यूज होता है, ये सारी की सारी चीजें आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, लेट्स बिगिन। गाइस देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वर्ब ऑफ टू हैव क्या होता है, तो देखिए वर्ब ऑफ टू हैव की अगर बात करें तो हैव एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है पास होना। क्या होता है इसका मतलब? पास होना, किसी वस्तु का पास होना। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करता है, ये मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसके मेन वर्ब के यूजेस बता रही हूँ कि कैसे हम इसे वर्ब ऑफ टू हैव मतलब पास होने वाले सेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को वन बाय वन सभी का एक एक स्ट्रक्चर मिलेगा और उसके दो दो तीन तीन एग्जांपल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कोई चीज़ हमारे पास है, पास थी, पास होगी, शायद पास है, पास होना चाहिए और पास होना चाहिए था। ऐसे ही सेंटेंसेस आपको देखने के लिए आगे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हैज और हैव की। तो गाइज, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेना है, फिर आप हैज और हैव लगाकर सीधे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जिसका मतलब निकलेगा कोई चीज़ हमारे पास में है। अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हम डू और डज नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, डू और डज नॉट नेगेटिव में होगा। तो जो भी थिंग्स आपके पास में है, जो भी वस्तु आपके पास में है, जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास पेन है, उसके पास ब्लेजर है, तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पास बाइक है, उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास सब कुछ है, तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास में है हमें वहाँ पर सिंपली हैज और हैव के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। हैज मतलब सिंगुलर के साथ ये यूज़ होता है और हैव जो है ये प्लूरल के साथ, मतलब आई वी यू दे के साथ यूज़ होगा। इतना बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी ही शी नेम के साथ हैज और आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा। जैसे देखिए, शी सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लोगों ने हैज लगाया, तो सेंटेंस हमारा क्या बना? शी हैज़ ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर, उसके बहुत ही सुंदर बड़े बाल है। तो कोई भी चीज़ हमारे पास है, वो चाहे हम बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं या कोई वस्तु की बात कर रहे हैं। यू हैव एन एग्जाम टू, आपकी आज एग्जाम है, आज आपका पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट है, शी डज नॉट हैव ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर टुडेज पार्टी, उसके पास में आज की पार्टी के लिए ड्रेस नहीं है। हमने यहां पर क्या किया? सिंगुलर था इसलिए डज नॉट, मतलब जो प्लूरल रहेगा जिसे आई वी यू एंड दे। गाइस, इसके साथ में आपको डू नॉट का यूज करना है। अगर हम डज की बात करें तो शी, ही, इट या फिर किसी का भी नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट के साथ में हमें डज नॉट लगा देना है। जैसे ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। शी डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। दे, अगर दे आ रहा है तो दे डू नॉट हैव स्किल्स, उनके पास में स्किल्स नहीं है। क्लियर? तो कोई भी चीज़ है हमारे पास में या नहीं है तो प्रेजेंट में हम लोग हैज लगाएंगे, नेगेटिव में डू डज नॉट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर गाइस हम लोग देखते हैं, हैड। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है पास था, कोई वस्तु हमारे पास थी। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको सब्जेक्ट के बाद सिंपली हैड लगा देना है और ऑब्जेक्ट यूज कर लेना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पास था, कोई भी वस्तु हमारे पास थी। जैसे शी हैड नो टाइम फॉर मी, उसके पास में मेरे लिए समय नहीं था। यहाँ पर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में आप एक तो हैड के बाद नो लगा सकते हैं, दूसरा अगर आप चाहें तो डिड नॉट के बाद हैव भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ये सही होगा। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, मेरे पास में पैसे थे, आपके पास डिग्री थी, उसके पास नॉलेज था, उनके पास कॉन्फिडेंस था। तो कोई भी वस्तु हमारे पास में थी, कोई क्वालिटी हमारे पास थी, ठीक है, तो हैड का यूज़ होगा। नहीं करने पर हैड नो या फिर डिड नॉट हैव। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पॉजिटिव के एग्जांपल्स दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास में पैसे थे, आई हैड मनी, या फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में नॉलेज था तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? आई हैड नॉलेज। उसके पास में लैपटॉप था, ही हैड अ लैपटॉप, कोई चीज़ हमारे पास थी, नहीं थी, ही हैड नो लैपटॉप, आई हैड नो नॉलेज,
आई हैड नो स्किल्स, इस तरह से। तो यहाँ देखिए शी हैड, अगर हम इसको कर दें शी हैड टाइम फॉर मी, उसके लिए मेरे पास में समय था, नेगेटिव कर दिया तो शी हैड नो टाइम फॉर मी, उसके पास में मेरे लिए समय नहीं था। आई हैड नो एनी व्हीकल, मेरे पास में कोई साधन नहीं था, वहाँ जाने के लिए मेरे पास में कोई साधन नहीं था। माई फादर हैड नो जॉब, मेरे पापा के पास में जॉब नहीं थी। देखिए सारे पास्ट के चेंस हो रहे हैं, तो हम इसमें येस्टरडे लगा सकते हैं, बिफोर वन ईयर लगा सकते हैं, टू डेज बिफोर लगा सकते हैं, तो ये भी अगर आप लगा देते हैं तो और ज़्यादा मीनिंग क्लियर हो जाता है। जैसे माई फादर हैड नो जॉब बिफोर वन ईयर, एक साल पहले मेरे पापा का कोई जॉब नहीं था, कोई नौकरी उनके पास में नहीं थी। आप इन्हीं सेंटेंसेस को चाहे तो डिड नॉट के साथ बना सकते हैं। जैसे आई डिड नॉट हैव कार, मेरे पास में कार नहीं थी। शी डिड नॉट हैव टाइम, उसके पास में समय नहीं था। ये देखिए शी डिड नॉट हैव टाइम फॉर मी, आई डिड नॉट हैव एनी व्हीकल, माई फादर डिड नॉट हैव एनी कार। क्लियर। तो नेगेटिव में आप अगर चाहे तो डिड नॉट भी लगा सकते हैं और हैव का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये गाइज विल हैव, ये फ्यूचर में यूज होगा, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, देन आपको ऑब्जेक्ट लगा लेना है, इसका हिंदी क्या होगा, पास होगा। ठीक है, कोई वस्तु हमारे पास में होगी जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जैसे उसके पास में पैसे होंगे, मेरे पास सब कुछ होगा, तुम्हारे पास कार होगी, हमारे पास पैसे होंगे, तो कोई भी वस्तु हमारे पास होगी। जैसे देखिए दे विल हैव समथिंग, उनके पास में कुछ होगा, टू डू, उनके पास कुछ करने के लिए कुछ तो होगा। मोहन विल नॉट हैव न्यू वीडियो गेम, मोहन के पास में नया वीडियो गेम नहीं होगा। देखिए ये भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अगर टुमारो लगा देंगे, आफ्टर टू डेज लगा देंगे, इन इवनिंग लगा देंगे, तो और ज़्यादा मीनिंग क्लियर होगा। नेगेटिव में हमें विल के बाद में नॉट लगा लेना है। जैसे कि आप मेरे साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज जो चल रही है इसमें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी चीज़ें डिफिकल्ट होती जाएगी। ठीक है, ओके। तो मोहन विल नॉट हैव न्यू वीडियो गेम, मोहन के पास नया वीडियो गेम नहीं होगा। आई विल हैव न्यू प्रोजेक्ट, मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ हमारे पास में फ्यूचर में होगी ये बताने के लिए हमें विल हैव पॉजिटिव और विल नॉट हैव नेगेटिव में यूज़ करना है। जैसे यू विल हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज होगा, उनके पास कार होगी, तो दे विल हैव अ कार, नेगेटिव बना रहे हैं, उनके पास कार नहीं होगी, दे विल नॉट हैव कार। क्लियर, तो ये था हमारा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब गाइस जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, हमें नहीं पता कि सच में है या नहीं है, तो जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पर मे हैव का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान हो जाएगी कोई चीज़ हमारे पास में शायद होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि शायद हो सकती है, हम श्योर नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद होगी या फिर शायद हो सकती है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है इसलिए मैं लगा देंगे। हमें कंफर्म पता है तो हैज़ लग जाता है, कंफर्म नहीं पता तो मैं हैव का यूज़ कर लेंगे। माई ब्रदर मे हैव न्यू वॉच, मेरे भाई के पास में एक नई वॉच हो सकती है, या हो सकता हो कि मेरे भाई के पास में एक नई वॉच हो, तो माई ब्रदर मे हैव अ न्यू वॉच। ठीक है, अ न्यू वॉच। वैसे ही शी मे हैव द की ऑफ माई कार, उसके पास में मेरी कार की चाबी हो सकती है, या हो सकता हो कि उसके पास में मेरे कार की चाबी हो, दोनों तरह से बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि हो सकता है कि उसके पास में तुम्हारी नोटबुक हो, उसके पास हो सकती है तुम्हारी नोटबुक, शी मे हैव योर नोटबुक, मतलब शायद उसके पास तुम्हारी नोटबुक हो सकती है। आई मे हैव योर पेन, शायद मेरे पास में तुम्हारा पेन होगा, मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, बट पहचान वही है कि कोई चीज़ हमारे पास में होगी, हमारे पास हो सकती है। जैसे उनके पास में नॉलेज हो सकता है, या शायद होगा उनके पास नॉलेज, दे मे हैव नॉलेज। क्लियर, तो गाइस मे हैव का यूज़ करेंगे जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट है शुड हैव, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी है, आपको यहाँ पर शुड के साथ में हैव लगा देना है ना, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसका हिंदी क्या होगा, हमारे पास में कुछ होना चाहिए, कोई चीज़ हमारे पास होना
चाहिए, ये हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। तुम्हारे पास कार होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, इस तरह से। एग्जांपल्स देखते हैं। यू शुड हैव नॉलेज, तुम्हारे पास में नॉलेज होना चाहिए। दे शुड हैव मनी टू स्पेंड, उनके पास में खर्च करने के लिए पैसे होने चाहिए। शी शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? तो कुछ होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास में नोट्स होने चाहिए, आपके पास, यू शुड हैव नोट्स, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप टू स्टडी, यू शुड हैव अ लैपटॉप टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए। हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, वी शुड हैव एवरीथिंग। क्लियर? तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वहाँ पर हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। नेगेटिव अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो शुड के बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे बोल सकते हैं कि क्लासरूम में आपके पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल इन द क्लासरूम। क्लियर? तो इस बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। शुड हैव हैड, ये यूज होता है पास्ट में, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हो जाएगा कोई वस्तु हमारे पास होनी चाहिए थी। ठीक है, हमारे पास कुछ होना चाहिए था पास्ट में। मान लीजिए कल आपने क्लास अटेंड की, आपके पास में पेन कॉपी नहीं था, आपने कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं आपसे कह रही हूँ आपने क्यों नहीं लिखा, आपके पास पेन क्यों नहीं था, आपके पास में पेन होना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ हमारे पास होना चाहिए था, जैसे उनके पास वे इंटरव्यू के लिए गए थे, उनके पास में उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए थी, हमारे पास पैसे होने चाहिए थे, हम वहाँ पढ़ते हैं, हमारे पास पैसे होने चाहिए थे। तो हमारे पास कुछ होना चाहिए था, पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे यू शुड हैव हैड कॉन्फिडेंस टू गेट दैट जॉब, उस जॉब को प्राप्त करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, चाहिए था। अगर चाहिए आता तो सिर्फ हम शुड हैव लगाते, लेकिन पास्ट आ गया है इसलिए अब हैड लगाएंगे। दे शुड हैव हैड मनी फॉर ट्रिप, ट्रिप के लिए उनके पास में पैसे होने चाहिए थे। मेरे पास में बुक्स होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड बुक्स। तुम्हारे पास में लैपटॉप होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप। क्लियर? तो जब भी गाइस कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे फर्स्ट वाली स्लाइड पर, तो आपको पता चलेगा कि एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स के लिए हमारे पास में कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आप इनको एक बार याद कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इनके अफर्मेटिव और नेगेटिव देखे, जब हमें इनका क्वेश्चन बनाना होता है तो यही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। जैसे क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास लैपटॉप है, तो डूडस को हम लोग आगे कर देते हैं। कभी हमारे हाउ टू आस्क क्वेश्चन की सीरीज़ में हम इसके इंटरोगेटिव WH और हु वर्ड्स को भी, हु पैटर्न को भी देखेंगे। आज के लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव को आप याद करिए, और ये वाले सभी स्ट्रक्चर्स के कम से कम आप 5-5 सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली सीरीज़ में आप काफ़ी कुछ सीख कर जाएंगे बिना पैसे खर्च किए। ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी। मैंने आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, बेसिक के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बताए, अब आप इन्हें प्रैक्टिस करिए, अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करिए। ये सब तो आपको ही करना पड़ेगा। एक और चीज़, अगर आपने एप्लीकेशन मेरी डाउनलोड नहीं की है तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश विद खुशी इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।